माने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने SHM के कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात किया था। मतलब अभी तक हमने जो अभी जो भी आपको पढ़ाया है ना, उसमें आपको ये पता हो गया है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, कुछ टर्म्स के डेफिनेशन देखे थे और कुछ डेरिवेशंस कर रहे थे। मतलब इससे पहले वाले क्लास में कुछ हमने डेरिवेशंस किया था। तो अभी तक ना हमारे पास दो रिलेशन है, एक तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हमारे पास ऐसा आया था, अगर SHM में एक्सेलरेशन के बारे में बात किया जाए तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक रिलेशन ये हमारे पास पता है। और इसी को यूज करके हमने एक और रिलेशन फाइंड किया था जो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशन हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्लास में डेराइव कर लिया था। एक्चुअल में मैंने और भी रिलेशंस डिराइव किए थे, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। अभी क्या करते हैं, इसके आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे प्रोसीड करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी का टर्म है, यहाँ पे जो वेलोसिटी का टर्म है, इसको मैं अपने बेसिक काइनेमेटिक्स के नॉलेज से, बेसिक काइनेमेटिक के नॉलेज से इस वेलोसिटी वाले टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी एक्स अपॉन डी टी। वेलोसिटी को मैंने क्या लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब फिर से अगर मेरे को इसके आगे प्रोसीड करना है ना, तो प्रोसीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करूंगा, मान लो मैंने क्या किया, ये एक्स था इस तरफ, तो ये x वाले टर्म को यहाँ पे ले आते हैं और ये dt वाले टर्म को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ तो ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt। ऐसा कुछ हमारे पास इक्वेशन दिखना स्टार्ट हो गया है। अब एक अच्छे स्टूडेंट को यहाँ पर रिलेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हम रिलेशन किन दो टर्म्स के बीच में फाइंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन था, यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन था। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट का टर्म है और इस तरफ टाइम का टर्म है। मतलब अब इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगा, सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा, वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का रिलेशन होगा। मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, तीसरा रिलेशन यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं या डिराइव करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन आने वाला है। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने तो रिलेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मुझे लिमिट्स पुट करना पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, एक नोन क्वांटिटी होनी चाहिए तभी आप दूसरा कोई अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिमिट्स पुट करेंगे वो लिमिट्स भी कैसे होने चाहिए उसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा डेरिवेशन, हो सकता है ना समझ में आए, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वाले जो स्टूडेंट होंगे वो डेरिवेशन स्किप कर सकते हैं, वो चाहे तो सिर्फ फॉर्मूला याद रख सकते हैं, dx root over a square minus x square equals to omega dt। इसके आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से समझना है, ये मीन पोजिशन, यहां पे एम्पलीट्यूड प्लस का, यहां पे एम्पलीट्यूड माइनस का, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना ऐसा समझो कि शायद कल वाले जो वीडियो लेक्चर में भी शायद रिकॉर्ड हुआ होगा, आप ऐसा समझ लो कि एक बस है वो नागपुर से चलती हुई अमरावती को आ गई, ठीक है, बस जो कि नागपुर से चली और वो चल के कहां पे आ गई, अमरावती को आ गई। अब मैं एज अ ऑब्जर्वर जब उस बस को एनालाइज करूंगा, मैंने उस बस को कहां पे देखा, मैंने उस बस को देखा पंचवटी स्क्वायर में। मैंने अगर उसको पंचवटी स्क्वायर में देखा, इसका मतलब क्या है, वो पंचवटी स्क्वायर से चल रही है क्या, नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना, मोशन पहले से हो रहा था, मोशन उस बस का पहले से हो रहा था, लेकिन मैंने उसको कब एनालाइज करना स्टार्ट किया, मैंने उसको पंचवटी स्क्वायर में एनालाइज करना स्टार्ट किया। मतलब मैं क्या बोलूंगा, टी इक्वल्स टू जीरो सेकेंड, एक ऑब्जर्वर टी इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या बताता है, जब वो मूव करते हुए पार्टिकल को एनालाइज करना स्टार्ट करेगा तब वो टी इक्वल्स टू जीरो बताता है।
उसी तरह यहां पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल है जो इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो जो ऑब्जर्वर है, मान लो एज अ ऑब्जर्वर अगर मैं इसको देखूंगा, तो जब मैं इसको देखना स्टार्ट करूंगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या कि ये कभी मीन पोजीशन पे होगा या एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, ऐसा कोई नेसेसिटी है क्या? नहीं, वो कहीं पे भी हो सकता है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल जो था वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, अब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, मैंने क्या बोला कि टी इक्वल्स टू जीरो पे जब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया, तो ऐसा कोई कंपल्शन है कि वो मीन पोजीशन पे रहेगा या एम्पलीट्यूड पे रहेगा या कहीं और रहेगा? वो कहीं भी हो सकता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए कि जब मैंने इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, तो ये मुझे कुछ तो एक्स नॉट दूरी पर मिला है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब टी इक्वल्स टू जीरो सेकेंड था, जब मैंने समय शून्य पे उसको देखना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या देखा, वो मीन पोजीशन से कुछ तो एक्स नॉट दूरी पर है। अब एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, एक्स नॉट ही रहने देते हैं। ये हो गया हमारे पास t इक्वल्स टू जीरो सेकंड के बारे में। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इस तरह का इंटीग्रेशन ना हमने नहीं देखा, और अगर मैं बोलू ना तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसा इंटीग्रेशन तो कभी जीवन में नहीं आता, वो बस कभी कभी डेरिवेशन में दिख जाएगा। मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है वो शायद फ्यूचर में पढ़ लेंगे इस तरह के डेरिवेशन। अब अपने को क्या करना है, देखो मेडिकल वालों के लिए डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उनको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देंगे, वो याद रखेंगे कि भाई फॉर्मूला होता है, कुछ तो हुआ था, कोई तो कैलकुलेशन किया था, अपने को तो सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। अब यहां पर कभी भी अगर इस तरह का फॉर्मेट आ जाए और आपको अगर इंटीग्रेशन करना है, ओमेगा फिर से कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, इस तरह के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन ऐसा होता है, ये याद रखने के लिए है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये अभी के लिए याद रखना है अपने को, ये जो डेरिवेशन है या ये जो फॉर्मूला है, अभी ऐसा मान लो कोई फॉर्मूला है जो हमने क्या किया है, याद रखा है। इसके आगे जब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं, इसके आगे जब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो उस तरह से इंटीग्रेशन करना है ना। तो अब इंटीग्रेशन तो मुझे पता चाहिए कि इंटीग्रेशन में क्या करना है, लिमिट्स पुट करने में अपन देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे टाइम है, मैंने क्या बोला, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो सेकंड है, तो पार्टिकल कोई तो एक्स नॉट पोजीशन पे है ना, उसी तरह किसी भी रैंडम टाइम टी पर उसका जो पोजिशन होगा उसको एक्स लिख सकते हैं, और यही तो अपने को कैलकुलेट करना है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, यही तो कैलकुलेट करना है ना। अब इसके आगे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली यहां से लिख दे रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे लिमिट्स क्या पुट करना है अपने को, एक्स नॉट से लेकर एक्स तक, इस तरह से लिमिट पुट करेंगे। अच्छा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डीटी का इंटीग्रेशन टी होने वाला है, लोअर लिमिट कुछ आएगा नहीं, सिर्फ अपर लिमिट आएगा, ये ओमेगा टी हो जाएगा। अभी लिमिट्स पुट कर देते हैं, जब लिमिट्स पुट कर दोगे तो यहां पे कुछ तो ऐसा आने वाला है, साइन इनवर्स अपर लिमिट एक्स अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू ओमेगा टी। बात समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट कर, इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमने क्या देखा, कुछ तो ऐसा रिलेशन हमारे पास आया है। अब ये जो रिलेशन है ना वो एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं होता, इसको हमें अच्छे से अच्छे दिखने वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए, ये एक्स नॉट जो है वो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है क्या, और पार्टिकल का इनिशियल साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए, इस पूरे पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन को ना मैं फाई नॉट मान रहा हूं। अच्छा, अभी क्यों ऐसा मान रहा हूं, हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपको धीरे धीरे शायद क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों ऐसा मान रहे हैं। मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ये जो टर्म था साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए जो है ना हमारे पास, इसको मैंने अलग से फाई नॉट मान लिया है। मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं, सपोज साइन इनवर्स
x naught upon a equals to phi naught है। इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंज कर दूं, ये साइन इनवर्स को उधर भेज सकते हैं ना, साइन इनवर्स को अगर मैं उधर भेज दूंगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा x naught upon a equals to sin phi naught, देख सकते हैं ना ऐसा x naught upon a equals to sin phi naught। अच्छा अभी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या मानते हैं, मैं इस x naught का ना एक वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहा हूं, वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहा हूं क्लैरिटी के लिए, शायद ये हमें समझ में आ जाए कैसे रिलेट होगा ये फेज से, वो बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे। एक्स नॉट मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो एक्स नॉट है ना, ऐसा मैंने माना है लेट एक्स नॉट इक्वल्स टू ए बाई टू, मतलब जब मैंने देखना स्टार्ट किया पार्टिकल को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल मुझे कहां पर मिल रहा है, मीन पोजिशन से ए नॉट ए बाई टू सेपरेशन पे मिल रहा है। अब अगर मैं यहां पर एक्स नॉट के प्लेस में ए बाई टू पुट कर दू, ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू साइन फाइ नॉट, ये ए से ये ए कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, ए से ए कैंसिल आउट कर दो तो ऐसा कुछ आ रहा है, दैट इंप्लाइज साइन फाइ नॉट इक्वल्स टू हाफ, साइन फाइ नॉट जो है वो क्या हो रहा है, हाफ के बराबर हो रहा है। अब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको मैथ्स आती है थोड़ी बहुत भी, तो साइन फाइ नॉट इक्वल्स टू हाफ इसका मतलब क्या है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है क्या, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब एंगल ये फाइ नॉट जो होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन के वैल्यूज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन लिखूंगा ना, देखो जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये फिर भी समझ सकते हैं क्योंकि उनको पता है ऐसा कुछ पढ़ाया गया है उनको। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन फाइ नॉट हाफ के बराबर है इसका मतलब फाइ नॉट जो है ये जो एंगल होगा वो या तो साइन थर्टी हाफ होता है पहले क्वाड्रेंट में, मतलब या तो ये एंगल पाई बाई सिक्स होगा या सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना है तो साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्या, तो यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स वो हो जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स, मतलब इसको देख के ना ये सोल्यूशन आपको बताया या इसको देख के आपको ये सोल्यूशन निकालना होता है। अब आप मेडिकल के हो मैथ्स के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि बहुत एप्लीकेशन होंगे ये वेव्स में आएंगे, जब आप इंटरफेरेंस सीखोगे वहां पे आएगा इस तरह का रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए। हमने क्या बोला, साइन फाइव नॉट हाफ था तो फाइव नॉट के मैंने वैल्यूज निकाली। अब ये पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स एक्चुअल में सोचो क्या है, ये जो एक्चुअल में आया है ना वो इनिशियल फेज है पार्टिकल का, इनिशियल फेज। अब पार्टिकल का इनिशियल फेज का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला पार्टिकल का जो पोजिशन है वो ए बाई टू है ना। अच्छा ए बाई टू पर पार्टिकल दो बार हो सकता था क्या, एक बार मीन पोजिशन से एम्पलीट्यूड जाते वक्त और एम्पलीट्यूड से वापस जब मीन पोजिशन आ रहा है तब भी वो ए बाई टू क्रॉस करेगा। अब यहां पर अगर तुम देखोगे, मान लो मैं बोलूं कि मैं रिवर्स, ये तो मैंने अभी कैलकुलेट करके फाइंड किया ना, मैं क्या करता हूँ उल्टा सोचता हूँ, उल्टा सोचू अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब पार्टिकल को देखा, मैंने जब टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल को देखा तो उसका जो इनिशियल फेज था, उसका जो इनिशियल फेज था वो मेरे को मिला पाई बाई सिक्स। अब मैंने ना तुमको एक डायग्राम बोला था याद करने को, यहाँ का फेज मैंने जीरो बताया था, पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई, ऐसा कुछ एक डायग्राम बताया था क्या। तो अब ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनिशियल फेज अगर पाई बाई सिक्स है, अगर इनिशियल फेज पाई बाई सिक्स है तो पाई बाई सिक्स का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ कहीं पे होऊंगा क्या, अगर मैं पाई बाई सिक्स फेज पे हूँ मतलब क्या है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में है। अब जीरो से पाई बाई टू और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे साइन कहां चला, ये जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप साइन के प्लेस में पाई बाई सिक्स पुट कर दोगे तो आपको एक्स नॉट का वैल्यू मिल गया क्या, मुश्किल होगा लेकिन रिलेट करना है, ध्यान से देखना कैसे। मैंने बोला कि अगर मैं रिवर्स सोच रहा हूं, उल्टे से मैं सोच रहा हूं, अगर फाइव नॉट का वैल्यू पाई बाई सिक्स है, ठीक है, अगर फाइव नॉट का वैल्यू पाई बाई सिक्स है इसका मतलब जो पार्टिकल होगा वो मीन पोजिशन से इस वाले एम्पलीट्यूड की तरफ मूव कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, मतलब पार्टिकल किधर मूव कर रहा है ये मेरे को पता चल गया। और साथ ही साथ देखो तुमको इनिशियल लोकेशन भी मिल जाए, जैसे एक्स नॉट जो है वो ए टाइम्स ऑफ साइन फाइव नॉट है क्या, और फाइव नॉट का वैल्यू अगर आप पाई बाई सिक्स रखते हो तो ए इंटू साइन थर्टी ए बाई टू हो गया क्या, इसका मतलब
फेज अगर मेरे को किसी भी पार्टिकल का पता है तो एक तो मुझे उसकी चलने की टेंडेंसी पता चल जाती है कि पार्टिकल किधर मूव करने वाला है, और दूसरा मुझे ये भी पता चल जाएगा कि पार्टिकल का पोजिशन क्या है। उस समय जब मैंने फेज पढ़ाया था मैंने बोला था आगे भी ये फेज इस तरह से आएगा। अभी जो फेज मैंने बताया वो क्लियर है क्या? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि फाइव नॉट जो है वो फाइव पाई बाई सिक्स है। फाइव पाई बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स का मतलब क्या था? फाइव बाई सिक्स का मतलब थर्टी था। 30 into 5, 150 डिग्री हो गया ना। 150 डिग्री मतलब 90 से 180 के बीच में होंगे क्या? इसका मतलब पार्टिकल जो है वो इधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, पार्टिकल इधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है। और फिर से जब आप यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में 5 पाई बाई 6 पुट करोगे ना तो ये फिर से हाफ आ जाएगा। ये फिर से हाफ अगर आ गया तो एक्स नॉट ए बाई टू हो गया क्या? मतलब पार्टिकल का पोजिशन भी पता चल रहा है और पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखता है ये भी पता चल रहा है क्या? तो फेज क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है शायद अब क्लियर है, और अगर नहीं क्लियर है तो बेसिक से वीडियो लेक्चर देखना। जब तक तुमको नहीं समझ में आएगा तब तक देखना। अब तो वीडियो लेक्चर है, बार बार रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, देखते रहो जितना देखना है। सर ये मेरे को नहीं समझ में आया, चले पक्का आगे देखेंगे। अभी इस पूरे टर्म का मतलब मैंने आपको बताया है, इस पूरे टर्म का मतलब क्या था? ये पूरा टर्म जो है वो t इक्वल्स टू जीरो का फेज है, समय शून्य पर पार्टिकल का फेज। समय शून्य पर पार्टिकल का जो फेज था वो मेरे को उसने मेरे को क्या बताया? उसने मेरे को एक तो ये इंफॉर्मेशन बताया कि पार्टिकल कहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि पार्टिकल किस तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? इसको अब आगे देखना स्टार्ट करते हैं। आपको ये स्क्रीन पॉज करके नोट भी कर लेना था। यहां पर ये आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आया है। नहीं समझ में आया है आप पूछना, ठीक है, ग्रुप में कमेंट करके जो भी होगा आप पूछना जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर तभी समझ में आएगा जब ये सब जो थ्योरी पार्ट है वो आपको समझ में आएगा। यहां से वापस से देखते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया क्या? ये जो टर्म था ना साइन फाइव नॉट, यहां पर ये जो टर्म मैंने लिखा है साइन फाइव नॉट, सॉरी साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू फाइव नॉट, इसको फाइव नॉट मैंने माना था। ये जो टर्म था इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब जब टाइम जीरो है तब पार्टिकल का जो फेज है उसको मैंने बोला इनिशियल फेज, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इपॉक, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है, पहले भी बोला था, फिजिक्स पढ़ा करो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इपॉक नहीं पता होता है किसी को। अब इसे आगे ले जाना स्टार्ट करते हैं। ये अब मैंने जो बताया वो थोड़ा बहुत क्लियर है क्या? अब इसके आगे अगर आप देखना स्टार्ट करोगे ना तो अब आसान हो गया, अगर आपको ये समझ में आया है तो। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को मैंने एज इट इज रख दिया, ये जो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है उसको एज इट इज रख दिया। साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए उसके प्लेस में तो फाइव नॉट लिख सकते हैं ना, अभी फाइव नॉट लिखा था। फाइव नॉट क्या था? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या कर रहा है? टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट करने वाला है, किस तरह भागने वाला है, ये कौन बता रहा है? इनिशियल फेज बता रहा है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस फाइव नॉट इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये माइनस फाइव नॉट उधर भेज दो। माइनस फाइव नॉट अगर उधर गया तो ये ऐसा हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, लिख सकते हैं ऐसा। फिर से ये साइन वाले टर्म को अगर मैं इधर भेज दू ना तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। और सिंप्लीफाई करके और सुंदर बना सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब कभी भी अगर किसी ने एसएचएम पढ़ा है तो उसने ये इक्वेशन तो देखा होगा, कभी भी अगर किसी ने एसएचएम पढ़ा है लोअर क्लासेस में, कभी भी अगर एसएचएम के बारे में सुना होगा तो ऐसा कोई इक्वेशन आया होगा अपने पास, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये जो है ये क्या है? रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स क्या है? एक्स यहां पर देखोगे तो एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है क्या? एक्स क्या है? एक्स किसी भी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजिशन है, मतलब पार्टिकल मीन पोजिशन से कितनी दूरी पर है वो कौन बता रहा है? वो एक्स बता रहा है। ये ए क्या है? ए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है वो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हो गया ए। फिर इस पूरे टर्म को
ये जो ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट है ना, इस पूरे टर्म को अपन क्या बोलते हैं, फेज। अभी इसको मैं समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। और सिर्फ ये फाइ नॉट जो है, ये जो फाइ नॉट है इसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। अब ये पूरा इक्वेशन एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो मैंने बोला कि टाइम जो है वो जीरो है, टाइम जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन फाइ नॉट हो गया। फाइ नॉट का वैल्यू मान लो पाई बाई सिक्स है, मान लो तो यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई बाई सिक्स इंटू ए, तो एक्स के इनिशियल पोजिशन दूर रह गया। इनिशियल पोजिशन मतलब जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल का पोजिशन क्या था वो मेरे को मिल गया ना। अब समय तो गतिशील है, समय बढ़ रहा है, समय चेंज हो रहा है। अगर समय चेंज हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं। समय बढ़ेगा तो ओमेगा इंटू टी वाला फैक्टर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ओमेगा इंटू टी वाला फैक्टर अगर आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो टर्म है जिसको मैंने फेज बोला है वो फेज वाला टर्म बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मान लो मैंने जब स्टार्ट किया था तो पाई बाई सिक्स था, हो सकता है बढ़ता बढ़ता ये पाई पाई बाई सिक्स हो जाए। टाइम जब बढ़ा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। या मान लो ऐसा है कि पहले पाई बाई सिक्स था, ये पूरा बढ़ा, ये पूरा बढ़ के पाई बाई टू हो गया। पाई बाई टू हो गया मतलब ये पूरा का वैल्यू पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू वन हो गया। साइन पाई बाई टू वन हो गया मतलब एक्स क्या हो गया, ए के बराबर हो गया ना, मतलब पार्टिकल ए पॉइंट पे चला गया। समय को नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो कैसे बोला हमने, टी इक्वल्स टू 0 पे फेज मेरे को पता था। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है तो ये फेज एंगल जो होगा वो भी तो बढ़ रहा होगा ना। फेज एंगल बढ़ने से मान लो मैंने बोला कि पाई बाई सिक्स इनिशियली था, बढ़ के पाई बाई टू हो गया, बढ़ के अगर पाई बाई टू हो गया तो इस पूरे के प्लेस में अगर मैं पाई बाई टू सब्सटीट्यूट कर दूं तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन होता है क्या, साइन पाई बाई टू अगर वन हो गया तो एक्स का ए हो गया ना। ऐसा कुछ मैं तुमको पहले ही बता रहा है, बोल रहा हूँ सभी याद रख लो। मैंने क्या बोला था, जब पाई बाई टू होता है तो पार्टिकल क्या होता है, एम्पलीट्यूड पे होता है क्या, एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है क्या, ऐसा मैंने तुमको बोला था ना याद करने को। अभी देखो इस फॉर्मूले से वो आता दिख रहा है, सर नहीं एनालाइज कर पा रहे, सर नहीं एनालाइज कर पा रहे हो, वीडियोस पॉज करना, पुराने वीडियोस पहले अच्छे से देख लेना, पुराने वीडियोस अच्छे से देखोगे तभी ये समझ में आएगा। क्लियर है क्या? अब ये इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये फेज वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेज वाला वर्ड आगे जाके इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में हर जगह आने वाला है। अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में। ये तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको फेज के बारे में बताना कि फेज के बारे में बताने की कोशिश की थी कि फेज क्या होता है। आई होप फेज आपको समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया है तो मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे मेरे, ठीक है, किसी और को नहीं, मेरे सब समझ में नहीं आया मेरे से पूछेंगे, किसी और से नहीं पूछेंगे। यहां पर देखते हैं, x इक्वल्स टू a ओमेगा t प्लस फाइव नॉट, ऐसा कुछ इक्वेशन बनाया गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस साइन का रिलेशन बनाया। इक्वेशन को यूज कैसे करना था ये समझ में आया थोड़ा बहुत, पोजिशन और टाइम का रिलेशन गिवन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, पोजिशन और टाइम का रिलेशन गिवन है एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो हम जानते थे जब भी पोजिशन वर्सेस टाइम का रिलेशन गिवन है एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बन जाता है क्या। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा ना, इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू a, ये तो कांस्टेंट का बाहर निकाल दिया। साइन का डिफरेंशिएशन करो, साइन का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या होता है, कॉस वाला टर्म पहले आ जाएगा, कॉस ओमेगा t प्लस फाइन नॉट, और चेन रूल से जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यहाँ पे ओमेगा भी आ जाएगा। सर मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता तो कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमने खुद को बहुत ज्यादा पहले बिगाड़ लिया है भाई। v equals to a omega cos omega t plus phi naught, मेरे पास वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ गया। एक और बार डिफरेंशिएट करो, अब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अब a omega कांस्टेंट है, a omega मैंने बाहर रहने दिया, cos omega t plus phi naught का डिफरेंशिएशन करते हैं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया क्या, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, और फिर से चेन रूल से यहां पे ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए अगर, तो ए और साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, सिर्फ इसको देख रहा हूं मैं, देखो ए और साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, सर ये तो एक्स है, अगर ये एक्स है इसका मतलब
जो एक्सेलरेशन है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या माइनस रहने दिया, ओमेगा स्क्वायर रहने दिया, बचे हुए जो टर्म्स थे उसके प्लेस में एक्स रख दिया। तो यहां पर ये रिलेशन आ रहा है क्या? सर ये रिलेशन तो पहले क्लियर करा, अरे यही रिलेशन से तो स्टार्ट किया था पूरी कहानी। तो हमने जहां से स्टार्ट किया था घूमकर वापस वहीं पे आ रहे हैं, अगर घूमकर वापस वहीं पे आ रहे हैं इसका मतलब जो पहले से बीच में कैलकुलेशन आ रहे होंगे वो सारे सही होंगे, मतलब सारे रिलेशन सही है, तब जाके घूम के वापस से उसी रिलेशन में आ गए। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे पास एक्सेलरेशन इक्वल्स कितना आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन मेरा पहले था। अब ध्यान से देखो मैंने कितने रिलेशन बना लिए। सबसे पहला रिलेशन मैंने बताया था एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लिखा था कहीं पे। दूसरा वेलोसिटी और एक्स, वी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा रिलेशन। फिर वेलोसिटी वाले रिलेशन से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन फाइंड किया, ये तीसरा रिलेशन था। चौथा और ये पांच, पांच रिलेशन मैंने बना लिया है क्या? आप एक और रिलेशन बना सकते हो, कैसे? ये वेलोसिटी वाला टर्म देखोगे ये भी टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन वाला टर्म देखोगे ये भी क्या है, टाइम का फंक्शन है। अब अगर ये दोनों टाइम के फंक्शन है, दोनों से अगर मैं टाइम को एलिमिनेट कर लूं, इन दोनों इक्वेशन में से अगर मैं टाइम को एलिमिनेट कर लूं तो मुझे वी और ए में एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो कैसे रिलेट करके देखते हैं, फाइंड करके देखते हैं क्या रिलेशन बनने वाला है। अगर मैथ्स के स्टूडेंट है आपको डेरिवेशन आना चाहिए, मेडिकल वाले स्टूडेंट है आपको याद रखना है, आपको अपने मेमोरी पर ये विश्वास रखना है कि हाँ भाई आप याद रख सकते हो, किसी को समझ में आ रहा है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो टर्म पहला टर्म स्क्वायर टर्म में क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों टर्म, ऐसा लिख सकते हैं ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। इस वाले टर्म को स्क्वायर कर दिया, सेकेंड वाले टर्म को स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर फोर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। अब दोनों को ऐड करने से पहले क्या करते हैं ना, ये जो कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स थे उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया, प्लस इस वाले टर्म को यहां पे शिफ्ट कर दे रहे और ऐड भी कर दे रहे साथ ही साथ, ए स्क्वायर ओमेगा फोर, यहां पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बच रहा है, यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बच रहा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, अगर ये वन हो गया तो हमारे पास एक रिलेशन ऐसा आ गया। अब ये जो रिलेशन है वो पार्टिकल का वेलोसिटी और पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है क्या? अब देखो ये रिलेशन तुम सोचो ना तो याद होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमको वो दोनों रिलेशन पता है तो ये दोनों रिलेशन से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप डेरिवेशन से याद रखोगे ना तो फॉर्मूला आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, और अगर भूल भी गए इनकेस अगर तुम फॉर्मूला भूल गए तो तुमको पता है कि तुम एग्जाम में डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने क्या किया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अब मेरे पास टोटल छह रिलेशन आ गए हैं, तो यही मेरे पास एसएचएम के रिलेशन। अब ये जितने भी रिलेशन आए हैं ना, जितने भी रिलेशन हैं, सबका अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा वो क्या होगा, ग्राफ, ठीक है? वैसे मेडिकल वाले के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ग्राफ्स को याद रखेंगे कि इस तरह का ग्राफ होता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट ठीक है उनको लगता है वो बना सकते हैं तो अच्छी बात है, ये तो याद कर लेंगे, उनको लगता है अगर मैथ्स में भी गलती हो गई है तो याद कर लेंगे। एक एक करके अपन ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ, ग्राफ वन, पहला रिलेशन था एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है, पहला रिलेशन ये था ना, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है। अच्छा ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये ऐसा है वाई इक्वल्स टू माइनस एम इंटू एक्स, y equals to minus m into x, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब इंक्लिनेशन 90 से ज्यादा लेना है, मतलब इसका अगर मैं ग्राफ कर, अच्छा ये बहुत बार ऐसा लगता है ना देखने से लगता है अरे ओमेगा स्क्वायर है भाई, पैराबोला बनेगा क्या, ओमेगा ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है ना, एक्स का स्क्वायर होता तब पैराबोला बनता ना,
अपन एक्सेलरेशन और एक्स में ग्राफ बना रहे हैं, एक्सेलरेशन और ओमेगा बना रहे हैं, क्या ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो यहां पर जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो पैराबोला नहीं होगा, वो ग्राफ कैसा होना है, वो जो ग्राफ होगा वो लीनियर ग्राफ होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट जीरो है, ओरिजिन से पास क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या था, इसका वाई इंटरसेप्ट जीरो है और इसका स्लोप जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है। देखो इसका स्लोप नेगेटिव है, इसलिए अपन ने क्या बोला, ये जो ग्राफ होगा वो ऐसा है, इधर मैंने लग दिया एक्सेलरेशन, इधर मैंने लग दिया एक्स, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अच्छा ये थोड़ा भारी भरकम फॉर्मूला है, इसको मैं नहीं हटाना, इसका भी ग्राफ मेरे को प्लॉट करना है, बार बार ड्राइव करना नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है बोले, मान लो मैं बोलूं कि क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस टू एक्स, ऐसा एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि रिलेशन है एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में, और आपको बोला गया है फॉर दिस रिलेशन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। अपने को क्या पूछा गया है, ये जो रिलेशन है उसके लिए आप टाइम पीरियड ढूंढो। अब टाइम पीरियड ढूंढने को बोला है मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा, और अगर आप देखोगे ना वो पहले वाले इक्वेशन से आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको ओमेगा स्क्वायर देखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो एक्सेलरेशन है वहां पर, एक्स भी है, एक्स का कोएफिशिएंट वहां पे ओमेगा स्क्वायर है, यहां पे 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं कंपेयर कर लूंगा तो ओमेगा स्क्वायर क्वेश्चन के हिसाब से 2 है क्या, अगर ओमेगा स्क्वायर 2 है इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 2 हो गया। ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2π टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैं फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रहा, उसको टाइम पीरियड में डाउन लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, टाइम पीरियड जानना है। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आएगा 2π इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं ना, तो 2π 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल्स टू रूट 2। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास देखो टाइम पीरियड ऐसा आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल कर लेंगे तो यहां पे टाइम पीरियड आ जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ पाई, ये हमारा आंसर है सेकेंड्स में। सर आसान था, ये तो आसान तब है जब आपको रिलेशन याद है एक्सेलरेशन और एक्स। अब स्टार्टिंग हमेशा अगर ऐसे रिलेशन देखोगे सर, ऐसा रिलेशन अचानक से आ गया पता ही नहीं चल रहा सर ये क्या था, पता चल रहा है भाई, ध्यान से सोचो ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर कितना है 2 है, ओमेगा स्क्वायर 2 था, सॉल्व किया आंसर आ गया, आसान है क्या, पहला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, ग्राफ याद रखना है और इस तरह के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होगा ना, ये जो ग्राफ होगा सिंपल बोल देंगे कि ये जो ग्राफ है, मान लो ये जो ग्राफ था उसमें मैंने बोल दिया कि ये जो एंगल है 135 डिग्री, और बोलेंगे अब इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब जो इसका स्लोप होता है वही तो ओमेगा स्क्वायर है ना, तो अगर ये 135 है आप इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, समझ में आ रहा है ना, यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो स्लोप ही है ना, तो इसका अगर स्लोप निकालोगे स्लोप क्या हो जाएगा, tan 135 जो है वही ओमेगा स्क्वायर है क्या। अब tan 135 को अगर कैलकुलेट कर लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं पक्का। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, मॉड्यूल में मिल जाएंगे और आप जो प्रैक्टिस बुक रखते हो उसमें भी आपके पास होंगे। पहला ग्राफ समझ में आ गया है, पहला ग्राफ अगर समझ में आ गया है तो ये ग्राफ नोट डाउन करना है और ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है। अपन क्या करते हैं, सेकेंड ग्राफ बनाते हैं। सेकेंड ग्राफ जो है वो सेकेंड रिलेशन से आया, सेकेंड रिलेशन क्या था, सेकेंड रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। जो दूसरा रिलेशन था वो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। अब देखो रिलेशन कैसा है, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है क्या, ठीक है। इसका अपने ग्राफ बनाना है, तूफानी रिलेशन है, हालत खराब हो जाएगी ग्राफ बनाने में, क्यों ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने सर। इसको थोड़ा अच्छा लिखा है, कैसे, स्क्वायरिंग रूट सही, रूट से बॉर्डर लगता है भाई अपने को, तो स्क्वायरिंग रूट सही, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को इधर नीचे लाके डिवाइड कर दो, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ग्राफ कैसा दिखता है वो जानना है, मैथ्स वाले को पढ़ना होता है, लकीली उनके पास मैथ्स में ये सब है, पढ़ना है सीखना है, वो देख सकते हैं यहां से, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये a स्क्वायर को भी नीचे लाके डिवाइड कर दे रहे हैं,
तो ये ए स्क्वायर इधर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर आ गया इक्वल्स टू वन। ये तूफानी इक्वेशन आया है स्क्वायरिंग करने के बाद। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो होता है ना वो इलिप्स का इक्वेशन होता है, ये याद रखना है, याद रखना है इलिप्स का इक्वेशन होता है। इलिप्स का इक्वेशन कैसा दिखता है, जब भी आपको कोई ऐसा रिलेशन मिले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये जो है वो इलिप्स का इक्वेशन। सर इलिप्स कैसा है, इलिप्स का मतलब है चपटा सर्कल, सर्कल को मार के चपटा कर दो, ये जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, तुमने सुना होगा कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, वो सर्कुलर ऑर्बिट पर नहीं घूमता, मतलब तो उसका पार जो होता है वो इलेप्टिकल होता है, ऐसे सर्कल का चपटा कर दिया इलेप्टिकल ऑर्बिट। अब यहां पर अगर ये एक्स है, सर ये वाई है और ये एक्स है, एक्स के साथ यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे बी और ये माइनस बी, ये आपको याद रखना है। और अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इसका ग्राफ आराम से बना सकते हो। देखो कैसे ग्राफ होगा, इमेजिन कर सकते हैं क्या, वी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना ना अपने को, अगर वी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना है तो वी और एक्स के बीच का ग्राफ जो ऐसा बनेगा, ये रिलेशन और ये रिलेशन एक जैसे दिख रहा है ना, अगर एक जैसा दिख रहा है तो एक जैसा ग्राफ होना चाहिए, तो यहां पर हम रख देते हैं वी और यहां पर हम रख देते हैं एक्स। ठीक है, अब जो ग्राफ होगा वो कुछ तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक्स में यहां पर हो जाएगा ए, यहां पर माइनस ए, यहां पे हो जाएगा ओमेगा ए, यहां पे माइनस में ओमेगा ए, ये हमारे पास वी और एक्स के बीच का ग्राफ है। मुश्किल ग्राफ है, नहीं पढ़ा हमने आज तक ऐसा, नहीं पढ़ा है याद रख लेते हैं अभी के लिए, याद रख लेंगे ऐसा ग्राफ होता है। तो ये मेरे पास ग्राफ हो गया, बात समझ में आई है क्या। सेकंड ग्राफ थोड़ा मुश्किल है, पहली बार ऐसा ग्राफ देख रहे हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल है। तीसरे ग्राफ, तीसरा जो ग्राफ होगा वो आसान होगा, फिर से इसको नोट डाउन कर लेना, वो आप उसको कभी रफ कहीं पे रफ में लिखने हैं, ऐसी जगह लिखना जो आपको याद रहे, ये सब याद रखने की बातें हैं। तीसरा जो रिलेशन था, तीसरा जो रिलेशन था वो क्या था, एक्स और टाइम के बीच में रिलेशन था ना, तो अब जो ग्राफ बनाएंगे वो एक्स और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। कॉस का ग्राफ साइन का ग्राफ बनाना शायद आपको आता है, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर हुए थे ना उसमें मैंने आपको कॉस का ग्राफ और साइन का ग्राफ बनाना सिखाया था, तो ये शायद आपको आता है, नहीं आता है तो फिर भी देख लेते हैं। x equals to a sin omega t plus phi naught, ऐसा रिलेशन आया था ना, मैं ऐसा मान ले रहा हूं लेट phi naught जो है वो जीरो। ठीक है, अब phi naught जीरो इसलिए मान रहा हूं कि phi naught अगर तुम कुछ लोगे तो ग्राफ शिफ्टिंग करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेडिकल में इतनी जरूरत होती नहीं है और मैथ्स वाले स्टूडेंट समय के साथ खुद सीख लेते हैं। लेट phi naught equals to zero, अगर phi naught zero है तो मेरे पास रिलेशन ये बन गया क्या, x equals to a sin omega t, सिर्फ अगर मैं इसको हाइट कर दूं तो x equals to sin theta है क्या, sin theta ग्राफ बनाना जानते हैं ना, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो इसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा, यहां पर x रखना है, यहां पर t रखना है, sin का ग्राफ, sin का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है क्या, इस तरह से sin का ग्राफ चलता है ना। अब सिर्फ ये साइन ओमेगा टी होता तो इसका मैक्सिमम वैल्यू वन होता, अब इसमें ए फैक्टर मल्टीप्लाई है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए और इसका जो इधर मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस ए। ये हमारे पास क्या होगा, एक्स और टी का बीच का ग्राफ, ये बहुत ही आसान ग्राफ है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो ग्राफ होगा ग्राफ थ्री, ये सब आपको नोट डाउन करना है, आसान है, मतलब मेरे को लगता है आसान है, शायद तुमको भी लगे आसान। नेक्स्ट जो रिलेशन है, नेक्स्ट जो रिलेशन है वो होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। अच्छा यहां पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है ये सब आसान है, ऐसा कुछ हमने बहुत पहले भी बात किया हुआ है। वेलोसिटी जो था ना वो ऐसा आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए आया था ना, वी इक्वल्स टू ए और एक फाइन नॉट का टर्म आया था, तो फाइन नॉट तो मैंने इनिशियल पे जीरो मान रखा है। अब इसका ग्राफ बनाना है, फिर से यहां पे अपन रखेंगे b और यहां पे अपन रखेंगे t। अब अगर ये नहीं होता ना तो cos थीटा ग्राफ में ऐसा दिखता है, ऐसा ये cos थीटा ग्राफ ऐसा कुछ होता है, इस तरह से cos थीटा ग्राफ दिखता है, थोड़ा अच्छा ग्राफ बना लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, अरे अच्छा क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा ये, अरे ऐसा ग्राफ। ठीक है, अभी
इसका मैक्सिमम वैल्यू देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पर ए ओमेगा और यहां पर माइनस ए ओमेगा, ये हमारे पास वी और टी के बीच का ग्राफ हो गया। उसी तरह ना ए और टी का भी ग्राफ बना लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ एक्सेलरेशन आएगा। अब ये माइनस अगर नहीं होता तो ग्राफ साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना जानते हैं, माइनस क्या करेगा ग्राफ को रिवर्स कर देगा, तो ग्राफ कुछ तो ऐसा दिखेगा। प्लस का ग्राफ अगर ऐसा था ना तो माइनस क्या करेगा ग्राफ को उल्टा बना देगा, बस ये कर देना है। साइन के ग्राफ को ऐसा समझ लो, ये जो साइन का ग्राफ जो पहले बनाया था उसको वैसे थोड़ी घुमा दिया, ठीक है, ये जो ग्राफ था उसको थोड़े घुमा दिया तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन है यहां पर है एक्सेलरेशन, यहां पर है टाइम टी, ये मेरे पास पांचवा ग्राफ हो गया, फोर्थ और ये फिफ्थ ग्राफ। सिक्स्थ ग्राफ ये बना है, अब सिक्स्थ ग्राफ ये जो है ना, ये मैंने इक्वेशन रब किया था क्योंकि मुश्किल इक्वेशन है, याद नहीं रहता मेरे को, इसका आप लोगों को ग्राफ बनाना है। अरे ऐसा ग्राफ तो पहले ही बनाया था, ये वापस से इलिप्स है क्या? देखो तो v स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वापस से इलिप्स है क्या? वापस से इलिप्स से ग्राफ बना सकते हो क्या पक्का? इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ तो ऐसा दिखेगा, ये खुद से बनाना चाहिए था तुमको। वैसे एक अच्छे स्टूडेंट को, पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये जो ग्राफ था वो खुद से बना लेना चाहिए था। यहाँ पे रख देते हैं a और यहाँ पे रख देते हैं, या ऐसा रख लो यहाँ पे v और यहाँ पर a, ठीक है। ये a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा माइनस a ये ग्राफ है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, बोलो सर पहले तो आपने ऐसा बनाया था अभी आपने ऐसा बना दिया, अब ये डिपेंड करता है इसके वैल्यूज कौन वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सेस, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस, या फालतू फालतू की बातें हैं नहीं जानना है, इस तरह का ग्राफ होगा। तो मैंने क्या किया ना, सारे ग्राफ्स आपको बता दिए हैं, सारे रिलेशंस आपको बता दिए हैं जो चैप्टर में चाहिए, तो चैप्टर का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, चैप्टर का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब अब तुम इनमें से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तुमको ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा, मेरे पास अगर मॉड्यूल मेरे को मिल जाएगा तो ठीक है, ये तो मैं एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया है, नहीं समझ में आए तो तुम पूछ सकते हो, तुम ग्रुप में पूछ सकते हो, तुम अलग से तुम पूछ सकते हो, तुम लेटर लिख देना, पोस्ट कर देना मेरे को, मेरे घर का एड्रेस होगा, तुम पोस्ट कर देना, मैं तुमको वापस वहां से रिटर्न लेटर भेज दिया करूंगा, लेकिन सीख लो भाई, पढ़ लो, क्योंकि ये दोबारा से क्लासरूम में तो होने वाला है, जो भी है मैंने भी पढ़ा दिया है, बात समझ में आया है क्या? ठीक है, रहने देते हैं।